हॉल का शेयर देख रहे हैं आप हिंदुस्तान एरोनॉट्स, ये देख रहे हैं कितना माइनस में है। यहाँ पे शेयर है, मार्केट चल कहाँ पे रहा है, यहाँ पे काफी लोग डर जाते हैं सब चीज देख के। सर ये हॉल तो क्या हो गया, बर्बाद हो गया है ना। आज ही मॉर्निंग में ग्रुप में मैसेज आता, सर इसको क्या हो गया, 50% ये शेयर गया। ये 50% गया नहीं है, ये क्या हुआ है, स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट है ना, यहाँ पे एस स्प्लिट, यानी कि जिसके पास भी ये शेयर होल्डिंग में था, अगर 10 पीस उसके पास शेयर है, ठीक है, तो 10 पीस शेयर उसका कितना बन जाएगा, 20 शेयर बन जाएगा। यानी कि कितना हो जा रहा क्वांटिटी उसका, 20 क्वांटिटी हो जा रहा है। यानी कि उनके पास 10 क्वांटिटी था, लेकिन स्प्लिट होने की वजह से उनका क्वांटिटी 20 शो करेगा। बदले में क्या था, उनका जो प्राइस था 3800, ठीक है, ये प्राइस उनका शो होता था। अब उनको कौन सा प्राइस शो होगा, 1889 रुपीज शो होगा, ठीक है। यानी कि जो शेयर होल्डर है उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे हम लोग के पास ये शेयर का वैल्यू 2000 रुपए है, 10 शेयर है तो उसका टोटल वैल्यू कितना हो जा रहा है, 20000, ठीक है। और ये 20000 हो रहा है, अगर यहाँ पे समझिए क्वांटिटी अगर स्प्लिट नहीं होता तो आपके पास क्वांटिटी 5 होता, यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे क्या होता, क्वांटिटी 5 होता, तो 5 अगर देखेंगे 4000 के हिसाब से तो कितना रुपया हो रहा है, 20000, इसका भी 20 हो रहा है, इसका भी 20 हो रहा है, लगभग सेम है। बस होता क्या है कि जब शेयर स्प्लिट होता है तो वो शेयर का वैल्यू घट जाता है, और जिनके पास होल्डिंग में शेयर है उनका क्वांटिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जरूरी नहीं कि 1:2 का ही होता है, 1:3 का भी होता है, 1:10 का भी होता है, 1:20 का भी होता है, इस तरीके से क्या होता है, स्प्लिट होता है शेयर। तो कोई भी शेयर का अगर वैल्यू बहुत कम है, अगर वो स्प्लिट हुआ तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो शेयर खराब है। जैसे MRF है ना, MRF को आप देखेंगे तो इसका शेयर का वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, 1,08,726, लेकिन अगर MRF को देखेंगे तो ये कभी स्प्लिट हुआ ही नहीं है, है ना। स्प्लिट नहीं होने की वजह से इसका वैल्यू क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। और यही अगर स्प्लिट हो जाता, समझ लीजिए MRF 1:2 का स्प्लिट बोल रहा है, अनाउंसमेंट किया कि 1:2 का MRF का शेयर स्प्लिट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, क्वांटिटी जिसके पास है वो होल्डिंग उनका डबल हो जाएगा और उनका क्वांटिटी घट जाएगा। ये अभी 1 लाख दिखा रहा है, ये 54,000 रुपीज होने लगेगा, क्लियर है क्या होता है स्प्लिट।